नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है, और मुझे लगता है कि हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें कई लोग ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होगी कि वो लंबे समय तक तैयारी कर पाएँ। क्योंकि देखिए, तैयारी करने में भी खर्चा आता है। आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की कर रहे हों, चाहे यूपी पुलिस के लिए कर रहे हों, चाहे आप लेखपाल के लिए कर रहे हों, एसएससी के लिए कर रहे हों, किसी के लिए कर रहे हों, खर्चा तो आता ही है। तो ऐसे में क्या बच्चा सोचता है कि मैं जो है कोई जॉब कर लेता हूँ जिसके साथ में जो है मेरी पढ़ाई भी होती रहे। तो कभी कभी जो है वो इकोनॉमिकल प्रेशर में आकर ऐसी जॉब पकड़ लेता है जिसके बाद उसकी तैयारी बिल्कुल ठप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर या तो आप प्राइवेट जॉब कोई कर रहे हों तो आपको कौन सी जो जॉब पे जो है स्विच करना चाहिए, या अभी नहीं कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है तो कौन सी जॉब करनी चाहिए, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले कम से कम 7 साल जो है मैंने प्राइवेट में नौकरी की है। प्राइवेट का मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डाटा एंट्री का काम किया है। तो वहाँ पर ऐसा होता था दोस्तों कि डाटा एंट्री होती थी तो मेरी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी, जबकि मेरा रिटन तैयार नहीं था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्राइवेट में पार्ट टाइम में नौकरी करें तो खासकर आप डाटा एंट्री की अगर वर्क ढूंढ सकते हैं तो वर्क ढूंढिए। हो सके तो घर से बैठ के कर सकें अगर ऐसा कहीं से काम मिलता है, अदरवाइज़ आप कहीं पर जाकर या साइबर कैफ़े या कहीं पर भी जो है जहाँ पर आपको डाटा एंट्री का काम मिल सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में होता है, तो वो काम आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी पढ़ाई में भी, क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे हर जॉब के अंदर टाइपिंग तो मांगी ही जा रही है। इवन चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या फिर कस्टम हो, आप देखेंगे सीजीएल के अंदर सारी पोस्टों के अंदर जो है टाइपिंग लगाई दी गई, सीपीटी टेस्ट जो है लगा दिया गया है, उसके अंदर टाइपिंग आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी गरीब लोग मतलब ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें जॉब करना पड़ता है, तो आप पहली जॉब को प्रिफ्रेंस रखेंगे कौन सी, कि डाटा एंट्री की जॉब मिले जिसमें आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड हो। उसके अलावा अगर आप दूसरी जॉब कर चाहते हैं तो आप टीचिंग की जॉब कर सकते हैं, मतलब आपको ट्यूशन पढ़ाने की, मगर फुल डे नहीं। जैसे कि किसी कोचिंग के अंदर ज्वाइन कर लिया, वहाँ फुल डे पढ़ा रहे हैं तो आपको एक पैसे का भी लालच लग जाएगा और फिर हो सकता है कि आप आगे किसी जॉब की तैयारी भी ना कर पाएँ। आप पार्ट टाइम में जो है 2 से 3 घंटे जो है पढ़ा सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन का पढ़ाएँ या फिर किसी क्लास को भी पढ़ा सकते हैं, चाहे वो 8th क्लास को पढ़ा रहे हो, 9th क्लास को पढ़ा रहे हो, किसी को भी पढ़ाएँ, मगर आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए और अपना परिवार भी चलाना है, अपना घर भी चलाना है, अपना खर्चा भी चलाना है, कोचिंग के लिए फीस निकालनी है, तो जो है आपको ये भी जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यही मेरी आज की सलाह थी कि अगर आप जॉब करें तो इसी टाइप की जॉब चुनें, अदरवाइज़ फुल डे की 8-9 घंटे की आप जॉब चुन लेंगे तो उसमें हो सकता है कि फिर आपकी जो सरकारी नौकरी का सपना है वो सिर्फ सपना ही रह जाए। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।